आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं संबोधन में, अपने रुख करते हैं वहीं का। वो अभी से 2047 की तैयारी कर रही है। साथियों, पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? जरूर देंगे। आवाज इधर से आती है, उधर से नहीं आती है? ये मीडिया वालों को छोड़कर के सारे लोगों ने आवाज देनी चाहिए, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? साथियों, कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है जी, उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 2020, 2025 यानी 20-20, 25-25 साल कांग्रेस में रहे हैं, 20-20, 25-25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये, और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते,
कितना ही चौकीदार चोर बोलो कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है। और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ। और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखी है। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मनसा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत? और इसलिए ही तो लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ। अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं भाई। मीडिया वाले देखना, मैं नहीं बोला हूं, मेरे गले मत बढ़ दे रहा। इनको लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। भाई और बहनों, कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं, और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे।
तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की, कर्नाटका में क्या किया, उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान है, हर अने बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप आपके आरक्षण पर डाका डालने देंगे, ये चोरी करने देंगे, क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है कि नहीं है, ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं है। यही नहीं, ये शाहजादे तो साहब ऐसी चीज लेके आए हैं, दुनिया में कोई डेवलपिंग कंट्री सोच ही नहीं सकता है। वो कहते हैं